हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज किसी भी प्लांट की केयर नहीं शेयर करूँगी। सुबह सुबह आज मैंने अपने पौधों को पानी दिया था, तो मैंने सोचा अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की धूप आ रही है, पौधों में लग रही है धूप, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये प्यारा सा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को फ्रेंड्स। तो ये प्लांट्स मैंने अपने बेडरूम के अंदर रखे हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसकी नई लीव्स आ रही है। तो यहाँ पे सुबह की पूरी हल्की धूप अंदर तक आती है, तो इतनी ही हल्की धूप की ज़रूरत होती है इन प्लांट्स को, इसीलिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। सही मात्रा में धूप मिल जाती है इन प्लांट्स को। इसके बाद दिखाऊं फ्रेंड्स, ये देखिए हिबिस्कस है, कितना कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है उसका, रेड एंड ऑरेंज, पीच वाइट मिक्स अप, बहुत सुंदर लगता है। तो हिबिस्कस के वैसे गुड़हल के बहुत सारे कलर आते हैं, रंगों में आते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये पौधा। बहुत सारी वैरायटीज आप लोगों को मिल जाएगी। ये फ्रेंड्स बोगनविलिया, ये देखिए बोगनविलिया भी बहुत सुंदर लगता है। ये गर्मियों का पौधा है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इन प्लांट्स में, और अभी नए नए इसमें फूल आएंगे, नई कलियां बन रही हैं फ्रेंड्स। ये देखिए नज़दीक से दिखाऊं तो बहुत सारी फ्लावरिंग होगी अभी इन प्लांट्स में, और बोगनविलिया का ही ये फूल दिखाऊं आप लोगों को फ्रेंड्स। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, पिंक एंड वाइट, बहुत सुंदर लगता है। और ये येलो कलर का बोगनविलिया फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए नए नए फूल आ रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। सुबह का मौसम है, बहुत ही अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है अगर ऐसे मौसम में आप पौधों के पास रहें तो। पौधों की सुंदरता देखते बनती है। ये मैंने लगा रखा फ्रेंड्स जेट प्लांट, ये देखिए ऊपर ऐसी बॉटल में मैंने काट के और लगाया था, और इसी बॉटल से मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार किए हुए हैं जो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। पहले भी मैंने शेयर किया है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस बॉटल में, इसको भी मैंने बॉटल में ही लगाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और फिर दिखाऊं फ्रेंड्स, ये देखिए एक्सोरा, इसके ऊपर मैंने केयर शेयर किया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था इसके ऊपर, और ये दूसरा भी रेडी है फ्लावरिंग के लिए फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, एक्सोरा को रुक्मिणी भी कहते हैं। ये है मोगरा का पौधा फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें भी कलियाँ बन रही हैं, ये देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और एक साथ बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है इन पौधों से। ये तो हिबिस्कस का है, ये देखिए फ्रेंड्स, हिबिस्कस प्लांट मुझे बहुत पसंद है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, आप लोग जैसा रंग चाहें वैसा रंग भी मिल जाता है पौधों का, लाल, येलो, वाइट, पिंक, हाइब्रिड वैरायटीज़ भी इसकी होती हैं बहुत सारी, बहुत खूबसूरत होते हैं ये पौधे। ये फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो पौधा है ये शमी का पौधा है, बहुत घर में रखना शुभ माना गया है, भगवान शनि का शुभ पौधा माना गया है, प्रिय पौधा माना गया है। घर में रखने से और इसकी हर दिन पूजा करने से सुख समृद्धि कहते हैं घर में आती है, सुख शांति बनी रहती है घर में। तो ये भी बहुत अच्छा पौधा है, आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। ये है पोथोस मनी प्लांट फ्रेंड्स, ये देखिए अभी इसमें मैंने मनी प्लांट में एक स्टोन रखकर, एक पत्थर रख के एक फ्रॉग को बिठा दिया है। थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया है अपने गार्डन को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। आप इस तरह अपने गमलों में छोटे छोटे खिलौनों को यूज़ करके सुंदर बना सकते हैं अपने गार्डन को,
बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह से अगर आप डेकोरेट करते हैं अपने गार्डन को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह का वक्त है, कितना अच्छा लगता है। अभी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं, तो और थोड़ा सन्नाटा सा लगता है, सूना सूना। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटा सा प्यारा वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए डेडिकेट किया है पसंद आया होगा। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन क्लिक करके। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, टिल देन बाय, टेक केयर।